हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर सौरव एंड वेलकम अगेन टू अवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। सो गाइस, आज हम आपको देने वाले हैं ओवरव्यू एक सेंट्रल नोएडा के सेक्टर का, जिसका नाम है सेक्टर 79। स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर ये रहने वाला है। इसमें फ्यूचर में आपको गोल्फ कोर्स भी मिलता है, मल्टीपल डेवलपमेंट्स हैं इस पूरे सेक्टर में, जिसके बारे में बताएंगे हम आपको। रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी सब बताएंगे, प्राइसिंग कितने किसमें टावर्स हैं, कौन सी सोसाइटी में क्या उसका लैंड पैच है, ये सब डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सेक्टर 79 ओवरव्यू। अगर पूरे सेक्टर की बात की जाए तो काफ़ी लश ग्रीन सेक्टर ये है। टोटल 8 हाई राइज प्रोजेक्ट मिलते हैं इस पूरे सेक्टर में, जिनके बारे में मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगा। अगर हम ग्रीनरी की बात करें तो काफ़ी बड़ा एक लैंड पैच है, जिसमें फ्यूचर में आपको गोल्फ कोर्स मिलेगा। अभी क्रिकेट स्टेडियम इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सेक्टर के अदर साइड, ऑन द अदर रोड ऑफ द सेक्टर, आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा पार्क, जिसका नाम है वेदवन, जो काफ़ी वायरल हो रहा है आजकल इंटरनेट पे, क्योंकि इसमें लाइट शोज़ और थीम जो है इसकी वैदिक थीम है। सो गाइज, अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, तो सेंट्रल नोएडा में ये लाई करता है और इसकी कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली, ग्रेटर नोएडा एंड NH24 सबसे बहुत ही क्लोज है। सो गाइस, सेक्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिलता है एक मेट्रो स्टेशन, जिसको बोला जाता है सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन। ये एक्वा लाइन का रहने वाला है। इसके एक साइड लाई करता है ब्लू लाइन, जिससे आप दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं, और दूसरी साइड आप जा सकते हैं ग्रेटर नोएडा। सो गाइस, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। इस पूरे ही सेक्टर में जो FAR है वो बहुत कम है, तो जितने भी इसमें प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 8 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट हैं इस पूरे सेक्टर में, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बिग साइजेस मिलते हैं 3, 4 एंड 5 BHK। छोटा 2 BHK एंड 2+ स्टडीज़ पूरे सेक्टर में आपको मोस्टली प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलता। सो दिस विल बी द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ सेक्टर फ्रॉम मेट्रो। हम मेट्रो से टूवर्ड्स अदर साइड चलने वाले हैं वीडियो में। तो पहला प्रोजेक्ट जो लाई करता है, दैट इज़ ऑफ सिक्का ग्रुप। प्रोजेक्ट्स नेम इज सिक्का किमात्रा ग्रीन्स। 5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, जिसमें आपको मिलते हैं 4 टावर्स। अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट की बात की जाए तो 384 यूनिट्स मिलती हैं। देन इसमें जो आपको साइजेस मिलते हैं वो मिलते हैं 3 BHK, 3.5, 4 BHK। कुछ टाइम से ये प्रोजेक्ट स्टक था, लेकिन इसमें फिर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें रिसेंटली पेंट जॉब हुआ है, और जो करंट डेट में आपको इसका प्राइस मिलता है इन फ्रेश, वो है 8500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। सो गाइज, आफ्टर सिक्का जो आपको सेकेंड प्रोजेक्ट मिलता है जस्ट एडजेसेंट टू सिक्का, दैट इज़ अजनारा द बेल्वेडियर। काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट बनने वाला था, बट काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रक है। अभी रिसेंट न्यूज़ है कि ये फिर से इसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है। 7.5 एकड़ में ये है, 3 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। 700 टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज इस प्रोजेक्ट में मिलती हैं आपको, और जो साइजेस मिलते हैं दैट विल बी 3 BHK एंड 4 BHK, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में। और करंट में अगर इसकी बात की जाए कि इसमें फ्रेश में भी इन्वेंट्रीज हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से प्रोजेक्ट स्ट्रक था, तो 8500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट के आसपास आपको इसमें इन्वेंट्रीज मिल जाती हैं। सो गाइस, आफ्टर अजनारा द बेल्वेडियर आपको मिलता है पूरा गोल्फ कोर्स, और उसके दूसरे कॉर्नर पे मिलते हैं आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट जो उसमें से रहेगा वो रहेगा इसी रोड पे, इलाइट गोल्फ ग्रीन्स। 6 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है, अभी रिसेंटली इसका पोजिशन हुआ है। टोटल इसमें इन्वेंट्री आपको मिलती हैं 618। अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो 2 BHK, 2+ स्टडी, 3 BHK, 3+ स्टडी, 4 BHK एंड 5 BHK के ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टावर्स की, तो 8 टावर इसमें बने हुए हैं। एक साइड इसमें गोल्फ व्यू की फेसिंग रहने वाली है। जो प्राइस मिलता है आपको आज की डेट में, वो मिलता है समवेयर अराउंड 10,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है ये रहने वाला है महागुन ग्रुप का, महागुन मीराबेला। इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी अलग कनेक्टिविटी रहने वाली है गाइस। ये जो आप इसके सामने रोड देख रहे हैं, दिस इज स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन। तो 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में ये सेक्टर लाई करता है। एक साइड आप सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन रीच आउट कर सकते हैं, और एक साइड सेक्टर 101 का। सो महागुन मीराबेला जो प्रोजेक्ट है गाइस, इसमें आपको 5 एकड़ का एरिया मिलता है। 3 ही सिर्फ टावर मिलते हैं, 2 आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं, और 1 बैक साइड। टोटल ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें मिलती हैं 472, और आपको जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिलती है वो मिलती है 2+ स्टडी, 3 BHK एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट। और अगर आज की डेट में इसके हम रेट की बात करें, तो वो लाया करता है समवेयर अराउंड 10,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। आफ्टर महागुन मीराबेला आपको मिलता है सिविटेक ग्रुप का प्रोजेक्ट, सिविटेक स्टेडिया।
5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है, 6 टावर मिलते हैं। इसमें आपको डुप्लेक्सेस एंड पेंटहाउसेस के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको इसमें डुप्लेक्स एंड पेंटहाउसेस मिलते हैं। इसके बाद अगर हम यूनिट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ 520 यूनिट्स आपको इसमें मिलती हैं। और अगर रेट की बात की जाए इस प्रोजेक्ट की तो दैट विल बी अराउंड 10,000 to 10,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट एज़ पर टुडे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गौर स्पोर्ट्सवुड। गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लग्जीरियस प्रोजेक्ट ऑफ द सेक्टर। इसमें तो सिग्नेचर टावर रहते हैं जिसमें आपके ह्यूज बालकनीज मिलती हैं। तो अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, टोटल 10 एकड़ का इसका एरिया रहने वाला है जिसमें मिलते हैं आपको 11 टावर्स। टोटल आपको 800 के आसपास इसमें इन्वेंट्रीज मिलती हैं। जो साइजेस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK। काफ़ी ह्यूज ये प्रोजेक्ट है गाइस, और इसका एक फेसिंग पूरा गोल्फ कोर्स का है। एंड इसमें जो आपको आज के डेट में रेट मिलता है दैट लाइज समवेयर बिटवीन 10,000 to 11,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। सो गाइस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे सेक्टर में आपको एक तो गोल्फ कोर्स मिलता है एंड उसके साथ साथ फंक्शनल अभी एक इसमें क्रिकेट अकेडमी विद अ क्रिकेट स्टेडियम जिसमें लोग क्रिकेट खेलते हैं वो फंक्शनल भी है। सो गाइस, अब बात करते हैं सेक्टर के सेकंड लास्ट प्रोजेक्ट की, और यू कैन से 7th प्रोजेक्ट की, जिसका नाम रहने वाला है अर्बटेक हिल्स्टन। 6 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, 3 इसमें टावर हैं। इसके बाद 222 आपको इसमें यूनिट्स मिलती हैं। साइजेस जो मिलते हैं वो मिलते हैं 2+ study, 3 BHK। और अगर आज की डेट में इसमें रेट की बात की जाए तो समवेयर अराउंड 8,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट आपको इसमें रेट मिलता है। सो गाइज, अब बात करते हैं लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ सेक्टर की, जिसका नाम है लोटस ग्रीन एरिना। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लोटस ग्रीन एरिना 1 एंड एरिना 2। हम साइमल्टेनियसली दोनों की बातें करेंगे। और ये स्टक है काफ़ी लंबे टाइम से। जैसे आपको पता है 3Cs ग्रुप या लोटस ग्रुप जो है वो नोएडा की मार्केट में जितने भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सेक्टर 100 में हों या और किसी सेक्टर में हों, सेक्टर 79 में हों, वो सब जो हैं वो स्टक हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो आपको चीज़ें मिलती हैं, ये पूरा का पूरा 12 एकड़ में रहने वाला है। इसमें 9 टावर मिलते हैं। टोटल जो यूनिट्स हैं नियर अबाउट 1100 यूनिट्स आपको मिलती हैं 3 and 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और इसका जो करंट प्राइस है आज के डेट में मार्केट रेट है दैट इज़ समवेयर अराउंड 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। सो गाइज, मैंने दिखाई आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेक्टर 79 नोएडा की। अगर हम एक एवरेज रेट की बात करें पूरे सेक्टर की तो 10,500 रुपये पर स्क्वायर फिट के आसपास आपको रेट मिलता है। काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी फ्रॉम दिल्ली। अगर आप यहाँ पे रहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है सेंट्रल नोएडा से लेके, एक्सप्रेसवे से लेके या नोएडा के किसी भी पार्ट से लेके, हम मल्टीपल टाइप प्रॉपर्टीज़ में डील करते हैं, वेदर इट इज़ लो राइज, हाई राइज, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दिस वॉज योर होस्ट सौरव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।